हो गया भाई आरसीबी टीम को भाई 2008 से लेके 2024 तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पा रही है। तब 2024 में तक खत्म नहीं हुआ, पर 2008 का टीम वर्सेस 2024 का टीम, तो आज हम एक कंपटीशन करने वाले हैं, देखते कौन सा टीम बेस्ट था। लिटरली इस मैच के दौरान हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर मैं भी नहीं जानता जानने को मिलेगा। पर आप लोग कब से आईपीएल देखना स्टार्ट किया मुझे कमेंट के अंदर जरूर बोलना। मैंने तो भाई 2008 से ही देखना चालू किया है। कैपकालिस तो तब तो भाई आरसीबी के लिए खेलता था भाई 2008 में, उसके बाद केकेआर में आई है यहाँ पे। ओ माय गॉड, बैट का पावर देखो यहाँ पे। अरे भाई बैट देखो यहाँ पे, 2008 वाला बैट लगता है यहाँ पे, बहुत पुराना वाला, अब ये नहीं दिखता। इससे भी ये केकेआर का जर्सी बना है भाई, और भी थोड़ा सा ग्लोइंग होना चाहिए था। आरसीबी का जर्सी एकदम परफेक्ट है भाई, पर केकेआर का जर्सी और थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। जफर, पर पूरा नाम तो मुझे पता नहीं है, डब्ल्यू जफर यहाँ पे। ओ माय गॉड, चार रन, पहला चार 2008 का आरसीबी का पहला चार था हमारे यहाँ पे। ओ बेंगलोर का मतलब स्टेडियम देखो भाई, उस जमाने का है यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है। लिटरली ये खेलते खेलते मुझे रियलाइज हुआ भाई, लिटरली 16 साल बीत गया भाई मेरी जिंदगी का। मतलब आई थिंक मैं 2008 में क्लास 3 या 4 में पढ़ता था, तब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। उससे पहले मैं क्रिकेट देखता था, उतना नहीं जाता था, पर हाँ उसके बाद में क्रिकेट देखना चालू किया था। लिटरली 16 साल बीत गया ये खेलते खेलते, लिटरली याद आया। चलो हो गया थोड़ा इमोशन की बातें, आप मैच के बाद खेलने दे। ओ बल्ला 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 बल्ला, ओ भाई बच गया भाई, लिटरली मतलब कैच होते थे बच गया, विकेट टच होते थे बच गया भाई, सब कुछ बच गया। बाउंसर आने लगा भाई, इसको भाई हुक शॉट ही मारेंगे और क्या चाहिए यहाँ पे। नहीं हुक शॉट नहीं हो पाया, पर फिलर तो है, पर फील्डर है वहाँ पे भाई, कितना चुस्त तंदुरुस्त फील्डर है भाई। क्या कर थोड़ा बाउंसर पिच बॉल लग रहा है, बाउंसर बॉल डाल दिया शॉट, और भाई लेट टाइमिंग हो गई भाई, भाई गंदा टाइमिंग, सबसे गंदा टाइमिंग, लेट शॉट खेला, फिर भी यहाँ पे चार मिल गए क्योंकि बॉल था गैप में। भाई यार पैर के अंदर बॉल डाला, स्टेप आउट करते यहाँ पे, ओ ओ विकेट से पास निकल गई। चैलेंज करता है तू, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। यॉर्कर आ रहा है यहाँ पे, यॉर्कर पे यॉर्कर, अशोक डिंडा की यहाँ पे। अरे डिंडा की यॉर्कर बहुत ही खतरनाक होता है रे, मुझे पता है यहाँ पे, मुझे पता है भाई डिंडा का बोलिंग मैंने देखा है भाई, इसका यॉर्कर बहुत खतरनाक होता है। लो भाई मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, मतलब यॉर्कर खेलना मेरे बस की बात नहीं है। इटली बहुत बुरा विकेट गिरा, फिर से यॉर्कर यहाँ पे। राहुल द्रविड़ भाई, राहुल द्रविड़ बोल सकते हो भाई, मेरा फेवरेट प्लेयर है यहाँ पे। मतलब राहुल द्रविड़ एक ऐसा प्लेयर है भाई, जीरो पे कभी आउट नहीं होता, कुछ ना कुछ हम करके जाते हैं। कैपकालिस भाई थोड़ा सा आगे हो गया बॉल, ठीक थोड़ा जल्दी के लिए, मुझे लगा भाई स्लोअर बॉल आ रहा है यहाँ पे, मुझे पता नहीं था भाई ये बॉल इतना स्पीड में आ रहा है यार। अच्छा खासा सेट हो चुका था, आठ रन करके वापस खाली। शुक्ला जी का बॉल भाई बहुत टर्न कर रहे हैं यहाँ पे, और ये खेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर मैं चाहता हूँ भाई हमारा रन रेट यहाँ पे ठीक ठाक मेंटेन करके रखे। अरे भाई चार कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा इसको, थोड़ा भाई उठा के खेलना पड़ेगा क्योंकि फील्डर पास में। अरे बैट का स्टिकर चला, लास्ट टाइम पे बॉल स्लो हो गया, पता नहीं क्यों भाई, लास्ट टाइम पे ड्रॉप करने के बाद स्लो हो गया, और बैट का स्टिकर पे लगा यहाँ पे, ऊपर पे लगा यार। राहुल द्रविड़ आउट, सी व्हाइट भाई लेंथ बॉल लग रहा है यहाँ पे भाई, शॉट, क्या बात है भाई, टच करते भाई, इस बार बैट का थोड़ा आजू बाजू में लगा है, कोई बात नहीं, बॉल का स्पीड था कि ऑफ साइड के उड़ा सकते भाई, घुटना टेक था यही तो चाहिए था भाई, मान तो मानना पड़ेगा भाई, आरसीबी का बैटिंग लाइनअप हमेशा से अच्छा था। ये भी गैप है भाई, ये भी गैप है, हम लोग मार सकते हैं, ये भी चार रन यहाँ पे। सफेदी आंखें तेरी देख, क्या था मतलब, सॉरी हाँ गुलाबी आंखें, सफेदी आंखें नहीं। फील्डिंग के अंदर बदला भाई है भाई, सामने फील्डर लगा यहाँ पे, पर सामने फील्डर लगते कुछ नहीं होगा, हम लोगों ने तो पीछे से मार दिया, मतलब पीछे मार दिया सिक्स। फाइट का क्लासिकल बैटिंग देख के मजा आ गया, ओ भाई विकेट से एकदम पास से निकल गई। एम उल हक, नवीन उल हक ने तो नहीं है यहाँ पे, ओ माय गॉड एम उल हक, लिटरली इस बॉल पे सिक्स करना उसका हक बनता है यहाँ पे, जबरदस्त भाई। स्पिनर चला के भाई, मतलब पूरा पैर टू पैर बोलिंग कर रहे हैं, पर थोड़ा हटके भाई, थोड़ा हटके हमारे सी व्हाइट यहाँ पे। चलो फिर से चार रन, पर बैट के यहाँ पे साइड पे लगा, आउट हो जाता। सी व्हाइट मतलब सफेद दा जा चुके भाई, सफेद मामा जा चुके 49 पे, और इसके साथ 50 हो गई, पहला 50 भाई 2008 टीम के यहाँ लेके हम लोग खेल रहे, और पहला 50 हम लोगों ने कर ली, तो अच्छा खासा रन तो बटोर लिया हम लोगों ने। एक बार सेलिब्रेशन देखते भाई कैसा था, सेलिब्रेशन सेम था भाई, मतलब कुछ अलग तो करना चाहिए यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, अच्छा खेला हम लोग। तो मैं भूल गया था, तब पाकिस्तान प्लेयर भी खेला करते थे यहाँ पे। अरे यार इस बार कनेक्शन नहीं हो पाया, इस बार कनेक्शन नहीं हो पाया भाई, इस बार हकीकत नहीं बदला हम लोगों का। तो भाई मतलब एक पाकिस्तान मैंने कैसे नहीं आया बच्चे, विराट कोहली आई है भाई डाउन साइड पे भाई, कैसे लग रहा है। अरे यार सी व्हाइट, चले धूप, इस
सुपर निशाना चूक गए हैं, गैप पे माना जाता था हम लोग, ये शॉट गैप में खेला बहुत इजी था, ट्विटर था मैं देखा नहीं, फिर से ईशान शर्मा ने कैच लिया, ईशान शर्मा को मैं मारूंगा जब बॉलिंग करने आएगा। अभी जो बल्लेबाजी कर रहा है एस गोस्वामी, इसका फुल नेम है श्रीवत गोस्वामी, जो अभी आईपीएल चल रहा है ना हमारे बंगाली कमेंटेटर है, यहाँ पे बहुत अच्छा कमेंटिंग करते हैं। अब विराट कोहली, विराट कोहली की पारी देखते हैं, विराट कोहली तो अब कैसे, अरे भाई फील्डर है वहाँ पे, अरे डेब्यू मैच खेला, आई थिंक हाँ डेब्यू मैच था आईपीएल का, डेब्यू मैच के अंदर एक करके आउट हो गया, पता नहीं रियल लाइफ में कितना किया था मैं भूल गया, पर लिटरली अरे सौरभ गांगुली कैच लग गया बहुत है, पर सिंगल करके आउट। बी अखिल भाई अच्छा आप स्पिन कर रहे हैं, अरे भाई शिट भाई मैं बॉल को समझ नहीं पाया, मुझे लगा स्टेप आउट खेल देंगे पर ये तो क्लियर आउट दिख रहा है भाई, मुझे लगा हम लोग भाई 200 रन करेंगे पर ये तो कतई जहर हो गया यहाँ पे, मतलब 200 तो छोड़ो, मतलब मुझे लगता है 150 भी करना बहुत मुश्किल है, अब जो होगा देखा जाएगा, हिट तो करना पड़ेगा क्योंकि बल्ले, अरे यार बोलते बोलते हिट कर दिया भाई, क्यों कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है भाई, मतलब आरसीबी के बैटिंग भी खराब हो गया भाई, बॉलिंग तो खराब ही था, इस बार बैटिंग खराब हो गई, 31 रन हो चुके भाई, रन तो ठीक ठाक किया बोला जो क्या यॉर्कर मारा ईशान शर्मा ने 2000, हाँ बोला जाए तो 2008 में 20 ओवर में 121 भाई बहुत ज्यादा रन था। आप हमारे 2024 का आरसीबी, ये एफ एलन कौन है भाई, फैबन एलन भाई, ये कौन कब से आते हैं आरसीबी टीम के अंदर, फैब डुप्लेसी देखते हैं यहाँ पे बहुत दिन के बाद, ओ माय गॉड स्लोअर से स्टार्ट, चोपड़ा आर्चर, अरे बेटा मुंबई की ऐसी तैसी कर दूंगा भाई, लिटरली यॉर्कर पे यॉर्कर डालते ही जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब लगातार यॉर्कर यहाँ पे, थोड़ा सिंगल ले लिया सिंगल और एक ले लूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट पिच के तार आया था घुमा के माना पड़ेगा यहाँ पे, गलत शॉट भाई, बैट का एकदम साइड पे लगा यहाँ पे, टाइमिंग थोड़ा तो रहम करो यार, मतलब ग्रीन टाइमिंग के थोड़ा सा नीचे लगा यहाँ पे, चार तो काट रहा है एटलीस्ट, कोई बात नहीं, एलियन बोल रहा हूँ, एलियन वापस, पता नहीं भाई ये स्पीच क्या होता है, इतना बाउंस बॉल कैसे आ रहा है, दुबला पतला डुप्लेसी मतलब डुप्लेसी, पर इसका बल्ला आज कुछ खास नहीं चल रहा है, विराट कोहली को उम्मीद है भाई, ये भी शॉर्ट पिच गेंद, अरे इतना शॉर्ट पिच गेंद का भाई, ये मारा भाई जोर का थप्पड़ यहाँ पे, यही शॉट तो देखना चाहिए था, मतलब विराट कोहली को देख के तरस आते भाई, अकेला मैच को चला रहा है, अभी तक मैं सिर्फ दो बॉल फेस किया भाई, एक है शॉर्ट पिच बॉल, एक है यॉर्कर बॉल भाई, दूसरा कोई बॉल ये लोग डाल नहीं पा रहा है, विराट कोहली का आइकॉनिक शॉट खेल के देखते भाई, आपको पता है यार कनेक्शन टाइमिंग बहुत ही ठीक ठाक था, ये शॉट मुझे पता नहीं बैट का साइड पे क्यों लगता है, थोड़ा मिडिल पे क्यों लग सकता है यहाँ पे, ये शॉट भाई लिटरली बहुत ही रिस्की शॉट है यहाँ पे, लो भाई विराट कोहली आउट हो गया, विराट कोहली उस बोले विराट कोहली की एक करके आउट होता है या आठ करके आउट होगा, पूरा मैच के अंदर गियर चेंज करना पड़ेगा हम लोग भाई, इंपैक्ट प्लेयर था, इंपैक्ट प्लेयर ने ये आके इंपैक्ट छोड़ा, यही शॉट तो मैं तब से मारना चाहता था पर कनेक्शन हो ही नहीं रहा था, फिर से इलेक्शन के लिए मरेंगे हम लोग, ये देखो फिर से कनेक्शन भाई, स्ट्रॉन्ग जोन पता चल गया भाई, पत्ती तर का स्ट्रॉन्ग जोन पता चल गया, ये था स्लॉट में, साउथ अफ्रीकन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन, ग्रीन वर्सेस फैब डुप्लेसी, क्या शॉट था भाई, मैं तो ताज्जुब हो गया भाई, मतलब ये भी चार हो सकता है, मतलब दोनों फील्डर के बीचों बीच चार, लेग साइड के अंदर खेलना होगा और क्या चाहिए, उड़ाना पड़ेगा भाई, कनेक्शन गंदा, बहुत लेट टाइमिंग नहीं हो पाया भाई, न्यू आरसीबी तो लिटरली और भी कुछ नहीं कर पा रही है, अभी क्या कर दिया यहाँ पे पतिदार, इस बार सीधा खेलेंगे, सीधा खेलने के लिए जॉयस्टिक को बहुत मत हिलाओ, ये यही शॉट में विराट कोहली से खेलना चाहता था भाई, मैक्सी खेलता है विदाउट टैक्सी, व्हाट अ शॉट भाई, फिर से वही वाली शॉट खेलते हैं भाई, देखो ये यही होता है भाई कनेक्शन और बीच, राउंड दो विकेट ओवर दो विकेट बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, यस शॉर्ट पिच गेंद भाई, ये चीज याद रखो भाई, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को शॉर्ट पिच गेंद को तो वो लोग ऐसा ही खेलेगा, ये भी शॉर्ट पिच गेंद यहाँ पे, पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन पे डाल दिया, लेट कर दिया शॉट खेलने में, मुझे इस तरह से खेलना नहीं चाहता, ये एक्चुअली ये वाइड बॉल हो जाता है यहाँ पे, यार गलत कर लिया यहाँ पे, यार मैक्सवेल आउट हो गया, अच्छे फॉर्म में था, अच्छा जा रहा भाई, अच्छा जा रहा है यहाँ पे 70, अरे ये शॉट देख के मुझे पता चलता भाई आउट होने वाले, क्योंकि फील्डर तो कैच मिस नहीं करने वाला, मुझे पता है भाई पर फैब डुप्लेसी आउट हो गई, महीपाल लोमलोर भाई इसके ऊपर भरोसा है पर उतना ज्यादा तो नहीं है, पर चलो भाई भरोसा तो है भाई, मतलब फॉर्म में है तो भाई तब भरोसा कर सकते हैं, तो चार मारा, अब देखते हैं भाई दिनेश कार्तिक का क्या करते हैं भाई, ये डीके अरे अरे वर्ल्ड कप जाना है डीके, अच्छे से बल्लेबाज आउट हो चुके हैं महीपाल लोमलोर पे, अरे यार का रे हीरो फिल्म के लिए खिला रहा है, कट खेल भाई, मुझे लगा था बॉल उतना ज्यादा टर्न नहीं करेगा, बॉल पड़ते ही भाई मतलब मिनटों में बॉल टर्न हो गया यहाँ पे वापस, ये आरसीबी भी गया, डीके है डीके जब तक है भाई, और 30 रन, अरे यार मतलब शॉट भाई कैच मिस कर दो, ये बॉल यार
भाई मुझे ये ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, ये ड्रेस एक्चुअली नीला है भाई, मुझे लाल ड्रेस पहनना चाहिए भाई। देखते देखते लास्ट विकेट पे हम लोग आ चुके भाई, भाई प्लीज ऑल विकेट मत करना, मतलब ऑल आउट मत होना क्योंकि अभी भी 6 ओवर बाकी है। डेविड विली वर्सेस कार्तिक के पे शॉट, अरे भाई इसका बॉल क्या टर्न कर रहा है भाई, मानना पड़ेगा यहां पे। लो यहां पे हार गई फिर से आरसीबी। भाई मैं तो मानता हूं पुराना वाला आरसी सबसे बेस्ट था भाई, उसके अंदर बॉलिंग थोड़ा सा अच्छा था भाई, बैटिंग तो बहुत ही अच्छा था, कोई बात नहीं, छोटा सा कंपैरिजन वीडियो था भाई। इसके बाद हम लोग करेंगे चेन्नई के ऊपर, अगर अच्छा लगे तो भाई एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू आ रहे हो तो चैनल को कर देना जरूर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। अगर आप लोगों ने भाई इस आईपीएल कप्तान का वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो भाई, ये सीरीज चल रही है, जाके देखो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लव यू।